हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज का जो मैच है वो है यूएस टाइटल की बेल्ट के लिए, और ये मैच होने जा रहा है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में, और ये एक 5 मिनट चैलेंज मैच है, यानी कि 5 मिनट्स के अंदर इस मैच को यहाँ पे विन करना होगा। तो देखते हैं इस मैच को आज यहाँ पे कौन जीतता है। मैच यहाँ पे शुरू हो चुका है और यहाँ पे भाई पहला फिनिशर लगा दिया ड्रू मैकइंटायर ने, मैच की स्टार्टिंग में पहला फिनिशर लगा दिया, और यहाँ भाई ब्रॉक अभी ट्रबल में, ब्रॉक को यहाँ पे बच के निकलना होगा, इसे यहाँ पे किक आउट करना होगा। 1-2 बच गया, ओके तो यहाँ पे बच गया, दोनों के पास ही ना मैच की स्टार्टिंग थी। यहाँ पे 3-3 फिनिशर होने वाले हैं और यहाँ पे ऊपर टाइमर चल रहा है, यानी कि बचे सिर्फ 4.44 सेकंड, और यहाँ पे ब्रॉक को 5 मिनट के अंदर, और यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर ने एक और फिनिशर यहाँ पे अपना लगा दिया भाई, ब्रॉक को रिवर्सल करना होगा, एक और पड़ाना, तो यहाँ पे एक और पड़ चुका है, यानी कि रिवर्सल नहीं कर पाया ब्रॉक, और अब भाई यहाँ पे ब्रॉक को दोबारा से किकआउट करना होगा। मैच यहाँ पे शुरू हुआ है, ओके कर दिया यहाँ पे भाई, किकआउट कर दिया, बच गया यहाँ पे ब्रॉक ने, मैच को बचा लिया है। मतलब मैच की स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 फिनिशर पड़ चुके हैं ब्रॉक के, और भाई अगर तीसरा लगाना तो यहाँ पे तो ब्रॉक गया, और यहाँ पे भाई ड्रू मैकइंटायर तीसरा भी लगाने का जरूर ट्राई करेगा, और यहाँ पे वो एक और फिनिशर लगाने का ट्राई कर रहा है। ब्रॉक को यहाँ पे रिवर्सल करना होगा भाई, करना होगा, वरना यहाँ पे हो गया एक और फिनिशर, ओके तो यहाँ पे बैक टू बैक 3 फिनिशर पड़ चुके हैं ब्रॉक लेसनर के, यहाँ पे उसे निकलना होगा भाई, किकआउट करना होगा। 1-2 गया, बच गया भाई, मुझे ऐसा लगा एक सेकंड के लिए कि यहाँ पर भाई ब्रॉक गया, यहाँ पे पिट गया और इस मैच को हार गया, बट यहाँ पर उसने कर दिया किकआउट, और अब तो भाई यहाँ पे रिवर्सल बनता ही है, और अभी ना यहाँ पे ब्रॉक के पास पूरे 3 फिनिशर पड़े हुए हैं, बट ड्रू मैकइंटायर के लिए यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे ना उसके फिनिशर खत्म हो चुके हैं, और यहाँ भाई टाइम भी बीत रहा है, और इस मैच को यहाँ पे फिनिश भी करना है सिर्फ, ओके यहाँ पे उठा के बाहर फेंक दिया है, 5 मिनट के अंदर इस मैच को फिनिश भी करना है यहाँ पे, और अब भाई ब्रॉक यहाँ पे नीचे आ चुका है, ब्रॉक को भी ना, और यहाँ पे ब्रॉक ने अपना भाई सबमिशन होल्ड कर दिया, और यहाँ पे अब ट्रबल में ड्रू मैकइंटायर। अब देखते हैं भाई ड्रू मैकइंटायर बाहर निकलता है नहीं, मुझे ऐसा लगा कि अभी तो निकल जाएगा, चलो यहाँ पे उसने रिवर्सल कर दिया, और यहाँ पे भाई सबमिशन से बाहर निकल आया, बट अभी ना ड्रू मैकइंटायर की पावर ठीक ठाक है, तो अभी यहाँ पे वो हार नहीं मानने वाला भाई। ओ भाई ये क्या जर्मन सुप्लेक्स मारा है, मतलब पीठ पर जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ ना यहाँ पे, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ब्रॉक को, और ब्रॉक को अभी थोड़े चक्कर आ रहे हैं। चल भाई रिंग के अंदर आना, बाहर तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा नहीं, रिंग के अंदर आना ही पड़ेगा ना, और भाई यहाँ पे एक बंदा अंदर आ रहा है, और दोबारा ब्रॉक बाहर चला गया भाई, पहले डिसाइड कर लो किसको यहाँ पे अंदर रहना और किसको यहाँ पे बाहर रहना। चलो फाइनली यहाँ पे दोनों अंदर आ चुके हैं, अब भाई यहाँ पे मारना शुरू करो यार, नीचे उतर रहे बार बार, और यहाँ पे भाई एक और जर्मन सुप्लेक्स पड़ेगा क्या, नहीं यहाँ पे स्पाइक बस्टर मारा उसके, और क्या इम्पैक्ट मारा यार, और अब भाई एक और यहाँ पे ब्रॉक को यहाँ पे पावर बम्प, मतलब ब्रॉक का तो ना आज यहाँ पे पूरा डोमिनेशन चल रहा है, ब्रॉक को तो अभी तक ना मैच में मतलब कुछ करने ही नहीं दिया यार, थोड़ा बहुत उसने मारा है, बाकी तो अब ड्रू मैकइंटायर ही मारे जा रहा है जब से, और यहाँ पे आप ब्रॉक को ना गुस्सा है भाई, और अभी यहाँ पे ब्रॉक के फिनिशर पड़े हुए हैं यार, वो अपने यहाँ पे फिनिशर लगाएगा, ओके तो यहाँ पे उसने अपना पहला फिनिशर यानी कि अपना F5 लगा दिया है, और अब देखते हैं भाई यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर इसके फिनिशर के बाद यहाँ पे किकआउट कर पाता है नहीं, रोप के पास है यार हाथ, बट नहीं रोप ब्रेक नहीं हुआ। 1-2 ओके, तो यहाँ पे भाई अभी ड्रू मैकइंटायर ने किकआउट कर दिया और मैच को यहाँ पे बचा लिया है, और अभी एक और फिनिशर लगाएगा। चलो यहाँ पे भाई ड्रू मैकइंटायर ने सही टाइम पे यहाँ पे रिवर्सल कर दिया, वरना एक और फिनिशर लगता ना तो यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर भी ट्रबल में आया था, बट अब यहाँ पे भाई ब्रॉक के भी मतलब खत्म हो गया फिनिशर, यहाँ पे भाई जर्मन सुप्लेक्स की सैर कराई जा रही है यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को, 2 पड़ चुके हैं तो 3 बैक टू बैक यहाँ पे पड़ते, और ये पड़ा भाई तीसरा, ओके तो यहाँ पे भाई इंपैक्ट पड़ा, और अब दिक्कत वाली बात ये है ना भाई ड्रू मैकइंटायर के लिए कि ब्रॉक को यहाँ पे एक और फिनिशर आ गया, और यहाँ पे लगा दिया उसने अपना एक और F5। अब तो भाई मुझे लग रहा है यहाँ पे भाई ड्रू मैकइंटायर का यहाँ पे गेम खत्म है, 3 फिनिशर पड़ गए यार, अब तो इसके बाद तो उठने का चांस ही नहीं है यहाँ पे। 1-2-3 होगा, ओके बचा लिया भाई, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे तो गया, और यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर भी ने भी अपना फिनिशर यहाँ पे लगा दिया, और भाई ब्रॉक ट्रबल में है। 1-2 गया क्या भाई, यहाँ पे ब्रॉक गया, वो भाई यहाँ पे ब्रॉक ने किकआउट कर दिया भाई, ये हो क्या रहा, मतलब मैच का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे ब्रॉक ने पहले 3 फिनिशर मारे और ड्रू मैकइंटायर ने यहाँ पे अपने आप को बचा ले किकआउट कर दिया, और यहाँ पे ब्रॉक ने भी 3 फिनिशर नहीं आ रहे, यहाँ पे 4 फिनिशर खाए शायद से ब्रॉक ने, और यहाँ पे दोबारा से किकआउट कर दिया, और यहाँ पे सबमिशन होल्ड कर दिया भाई, अब ड्रू मैकइंटायर को समझ नहीं आ रहा था, उसने यहाँ पे सबमिशन होल्ड कर दिया, और ब्रॉक मुझे लग रहा है यहाँ पे भाई निकलेगा, ओके तो यहाँ पे भाई ब्रॉक ने हार मान ली है, टैप आउट कर दिया यहाँ पे, यानी कि फिनिशर से हार नहीं माना ब्रॉक लेसनर, तो यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर ने सबमिशन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे उसको हरा दिया, और बन गया है नया यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। ओके तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना, मिलता हूँ आपसे अगली एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए अपना, बाय बाय गाइज।